दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। आप लोग नहीं जानते होंगे मित्रों, एक बार की बात है भगवान श्री कृष्ण स्वर से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्रौपदी उनके दरबार में पहुंच जाती है और कहती है, हे प्रभु, आप संसार के हर कीमती बातों को जानते हो। आप ही मनुष्य के दुख हरता हो तथा आप ही संसार के कल्याणकारी हो। तो हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूँ। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर मुझसे पूछ लीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही देंगे। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, कुत्ते के बारे में तो आपको भली भांति ज्ञात है, आपने ही तो कुत्ते को श्राप दिया था। आगे द्रौपदी कहती है कि हे प्रभु, हाँ, मैंने कुत्ते को श्राप अवश्य दिया था, परंतु हे प्रभु, आप इस बातों को बताने की कृपा करिए। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे ये 8 फल अवश्य मिलता है और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो दोस्तों, वो कौन से 8 बातें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, अक्सर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो भी जुबान पर उनके कुत्ते का नाम ही आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वह मनुष्य गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है, तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण तथा राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहेंगे। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, एक लाल रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता है किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। वह भूख के मारे इधर उधर छटपटाता रहता है। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंच जाता है। तभी ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्रह्मदेव, हमें लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी ब्राह्मण है, इसलिए मैं भूख प्यास से बहुत ही बेकुल हूँ। कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी दे देते तो हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेते। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे कुत्ता, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी कोई नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्रह्मदेव, क्या बताऊँ, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वर्ण, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास अवश्य करेंगे, हमें तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ रहे हो। तभी वह कुत्ता कहता है कि ठीक है ब्राह्मण देव, हम तुम्हें अपनी बीती बातें बताते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्रह्मदेव, हे दुनिया के लोग, हम पर रहम करो, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमा के खाने भी हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आप ही की तरह भूख भी लगता है, चोट लगने पर हमें आप ही की तरह पीड़ा भी होती है, हमें आप ही की तरह रोने भी आता है, बस इन्हीं तीनों कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए, ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं, हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं,
हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे। कह नहीं सकते हैं कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं। हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशियाँ मनाई होगी। हम जिस बिछौने पर थे वह रुई के समान नरम था। वहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हैं, वह अपने चारों बच्चों को छाती से चिपकाकर एक भाड़ की राख में पड़ी थी। हम चार भाई थे, बाकी तीन भाई तो सफेद और भूरे रंग के थे। मैं अकेला लाल रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जैसे तैसे ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम चार निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता तो कभी नहीं मिलता, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ही ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात रात भर जाकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ के भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आप ही की तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों को भी उसे देख कर हृदय नहीं पसीजता, तो बेवश होकर उसे लोगों के घर में चोरी से घुसना पड़ता और खाने की कोई चीज मिल जाती तो वह उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। पर तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखते तो लाठी डंडा लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। मित्रों, फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी ठंडी बरसात हुई। ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे दो भाई मारे गए। उस दिन हमारी माँ बहुत ही रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा, उसके बच्चे थोड़ी ही मरे थे। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ दो भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों का अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उस गांव में एक सेठ के घर पे दावत चल रही थी। वहाँ पर पूरियाँ बन रही थी। सेठ के घर काफ़ी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार इधर उधर जाती थी, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूरी उस बेचारी को खाने को फेंक देते। एक पूरी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललचा ललचा कर जाती और वही खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ वहीं पर जाकर पूँछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पाँव पूरी लेने को चल पड़ी। फिर थक थक की आवाज़ होने लगी, चारों ओर चिल्लम चिल्ली होने लगी। मेरी माँ वह चीख पुकार सुनकर घबरा गई। दो तीन आदमी डंडा लेकर उसके पीछे बड़ी ही बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागी, मगर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडा लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उसे लांघ कर निकल गई। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी कि जितना कि उन लोगों को देख कर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि एक कुतिया की नाक जानने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि कुतिया ने भोजन को लांघ दिया है तो भोजन खराब हो गया है,
और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उसने खाने में या पत्तल में मुंह थोड़ी ना डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। और कहने लगे, शहर में तो लोग कुत्ते को पालते हैं, घर के अंदर सुलाते भी है और खिलाते भी है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुत्ते ने भोजन को लांग भी दिया तो क्या हुआ, भोजन खराब नहीं हुआ। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने किसी की भी एक भी नहीं चलने दी। उन्होंने कहा कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, हमारे खाने के लायक ही नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई, अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर को खाना मिला था, ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गई। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी, लेकिन उतने में वह से डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिला। मेरी माँ डंडों की चोट से बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का बिलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक मारता ही रहा। माँ का बिलाप और शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया है। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद कर दिया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले में एक चोर के जितना पीटता है। ऐसे निर्दयी लोग हैं जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है, एक शहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था, उस पे दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद वह आटा गूंद कर रख दिया और वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ घूमती हुई वहाँ पर पहुँच गई। उसने आटा गोदा हुआ रखा देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। इधर राहगीर ने कुएं के पास से देख लिया कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया, तो वह बड़ा ही दुख हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों का भूखा था, थका हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया, कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ के रख दी। मुसाफिर दुखी होते हुए बोला, भाई मुझे क्या मालूम था कि यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाकर बैठी है। मुसाफिर ने अब आओ देखा ना ताओ लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज़्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगराती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कई कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है कि हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसान के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जो हमें प्यार से खिलाते हैं। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ है जिन्हें मनुष्य नहीं जानते। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी द्रौपदी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जो मनुष्य को पता नहीं है। कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, ऐसे ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाई उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाते हैं। इसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत ही बुरा पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में बढ़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पहला फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने का, कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि की नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है।
जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो उसका बना बनाया काम भी बिगड़ने लगता है, वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। मित्रों नंबर दो, दूसरा फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर थ्री, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। नंबर चार, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से भी आप कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। नंबर पाँचवा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत ही अच्छा चलता है। नंबर सिक्स, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर सेवन, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं और मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। नंबर आठ, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। मित्रों आप लोगों ने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ता को कभी रुलाना नहीं चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को बताया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फायदे हैं। तो अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, जिससे आध्यात्मिक जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव अवश्य लिखिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से आप सबको धन्यवाद।